नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश की 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पटना को मिला 62वां स्थान। उत्तर बिहार के कई जिलों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। अमीन बहाली की जांच के लिए हाईकोर्ट ने केंद्रीय पुलिस चयन बोर्ड को दी जिम्मेदारी। शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले शिक्षा विभाग ने बुलाई जरूरी बैठक। बिहार में 99 नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रस्तावों को मिली मंजूरी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अमीन बहाली की जांच के लिए हाईकोर्ट ने केंद्रीय पुलिस चयन बोर्ड को दी जिम्मेदारी। बिहार में सरकारी पदों पर बहाली प्रक्रिया में धांधली होना आम बात है। ताजा उदाहरण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अमीन बहाली की धांधली का है, जिस पर हाईकोर्ट ने जाँच का आदेश निकाला है। राजस्व विभाग के द्वारा अमीन बहाली के लिए जारी किए गए मेरिट लिस्ट की जाँच अब केंद्रीय पुलिस चयन बोर्ड के द्वारा की जाएगी। हाईकोर्ट ने अमीन बहाली के एक एक डॉक्यूमेंट की जांच का आदेश बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी के एस द्विवेदी को दिया है। साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को हाईकोर्ट ने बहाली से जुड़े सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, काउंसलिंग रजिस्टर, मेरिट लिस्ट सहित मांगे गए अन्य जरूरी दस्तावेजों को पुलिस चयन बोर्ड के चेयरमैन को मुहैया कराने का निर्देश दिया है। बताते चले कि कई याचिकाकर्ताओं द्वारा काफी दिनों से अमीन बहाली की मेरिट लिस्ट में धांधली की शिकायत के आवेदन कोर्ट को मिल रहे थे। इसकी जांच रिपोर्ट 8 हफ्ते में मांगी गई है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक उर्दू शिक्षक बहाली में 3 महीने में लेना होगा फैसला। बिहार राज्य उर्दू शिक्षक संघ की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को सख्त आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उर्दू शिक्षकों की बहाली के लिए 3 महीने के अंदर उचित फैसला लेना होगा। मामले में चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की है। इस मामले में उर्दू शिक्षक संघ का कहना है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक उर्दू शिक्षकों की बहाली के लिए राज्य सरकार ने रोजगार एवं सेवा शर्त नियम 2006 का पालन नहीं किया। साथ ही रिक्त पदों को भरने के लिए उर्दू विषय को अलग से अधिसूचित नहीं किया गया। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को इन शिक्षकों की बहाली के लिए 3 महीने के अंदर उचित फैसला लेने को कहा है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे पर मिला मांझी का समर्थन। बीते दिन बिहार कैबिनेट में समाज कल्याण मंत्री रहे मदन सहनी के इस्तीफे पेश करने के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। मदन सहनी ने अपने ही विभाग के अधिकारियों के ऊपर इल्जाम लगाकर उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वे अधिकारियों से आहत है। विभाग में मंत्री रहने के बावजूद अधिकारी उनके डिसीजन को तरजीह नहीं दिए। उनके इस बयान के बाद एक तरफ पूरा विपक्ष नीतीश सरकार पर हमला बढ़ हो गया है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांझी ने भी मदन सहनी के पक्ष में बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें मदन सहनी के इस्तीफे या नहीं देने की पता नहीं है, मगर यह बात सही है कि कई मंत्रियों की बातों को अधिकारीगण तरजीह नहीं देते हैं। वे मनमानी करते हैं और मंत्री विधायकों की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें मदन सहनी के इस्तीफे देने या नहीं देने की बात पता नहीं है, मगर यह बात सही है कि कई मंत्रियों की बातों को अधिकारीगण तरजीह नहीं देते हैं। वे मनमानी करते हैं और मंत्री विधायकों की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मांझी ने कहा कि एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में भी उन्होंने इस मसले को उठाया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सहनी के आरोपों को गंभीरता से सुननी चाहिए। पटना को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए शुरू हुआ अभियान। राजधानी पटना को सुंदर और स्वच्छ बनाने की एक पहल कल से शुरू होने वाली है। कल यानी शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया जाता है, जिसे लेकर पटना वासियों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए नगर निगम जागरूक करेगी। इस मौके पर 3 जुलाई की शाम 4 बजे से पटना मेयर और नगर आयुक्त लोगों के बीच घूम घूम कर स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा तैयार किए गए बैग को बांटेंगे। इसके साथ ही अब हर रविवार को पटना नगर निगम के प्रत्येक अंचल में एनजीओ के द्वारा पुराने कपड़े कलेक्ट किए जाएंगे। लोग चाहे तो पुराने कपड़े दान देकर या फिर उनके वजन के रेट के बराबर कैरी बैग ले सकते हैं। साथ ही साथ पटना के लोग दूध की पन्नी 7 रुपए प्रति किलो, पानी का डब्बा 20 रुपए प्रति किलो, प्लास्टिक का सामान 12 रुपए प्रति किलो, प्लास्टिक का थैला 7 रुपए प्रति किलो तथा बड़ा या मध्यम आकार का डब्बा 25 रुपए प्रति किलो के भाव में भी निगम को बेच सकते हैं। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए येलो व ऑरेंज अलर्ट किया जारी। सूबे बिहार में 2-3 दिनों के दौरान धूप खिलने के बाद एक बार फिर मानसूनी हवाओं के प्रभाव से बारिश की स्थिति बन गई है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के असर से आज सभी जिलों के लिए बारिश की संभावना जाहिर की गई है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने सभी जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली गिरने और भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोग सावधानी के साथ घर से बाहर निकले। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान भी राज्य के पूर्वी और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में हल्की से बीच की बारिश हुई है, मगर फिर भी तापमान में कोई राहत नहीं मिली है। इस दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान गया में 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
अयोध्या का चेहरा रह चुकी ऋतु जायसवाल ने पंचायत चुनाव को कहा ना। राजद के प्रदेश प्रवक्ता ऋतु जायसवाल गांव की मुखिया के मुख्य विपक्षी चेहरों में से एक मानी जाती है। हालांकि इस बार होने वाले पंचायत चुनाव से पहले उन्होंने खुद को किनारा कर लिया है, जिसके बारे में बताते हुए उन्होंने ईटीवी भारत के साथ एक खास बातचीत में कहा कि मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब उन्हें बड़ी भूमिका निभानी है। सिर्फ एक पंचायत की ही नहीं बल्कि परिहार विधानसभा क्षेत्र की सभी 38 पंचायतों की जिम्मेदारी भी मुझ पर है, लिहाजा मैंने यह तय किया है कि उन सब का ख्याल रखने के लिए इस बार पंचायत चुनाव नहीं लड़ूंगी। वैसे पंचायत तो मेरी आत्मा में बसती है, जिसे मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी पर लगाया जनता का मजाक बनाने का आरोप। रक्सौल के बनकटवा प्रकरण में भाजपा जिला संगठन के कार्यक्रम में भाग लेने गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बार बार सरकार गिरने की बात वाले बयान पर निशाना साधा है। संजय जायसवाल ने इस बयान को विपक्ष के द्वारा जनता का मजाक बनाने वाला बताया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बीते दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में एनडीए सरकार के 2-3 महीने के अंदर गिरने का दावा किया था, जिस पर संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी दिवस स्वप्न देख रहे हैं जो कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि एनडीए के प्रति बिहार की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, जिसका तेजस्वी यादव और विपक्ष मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले शिक्षा विभाग ने बुलाई जरूरी बैठक। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार बिहार में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। इसके लिए 5 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होनी है। इस बहाली में अब कोई भी अड़चन न आए, इसे लेकर शिक्षा विभाग भी गंभीर है और इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कल शनिवार के दोपहर 3 से 4 बजे के बीच बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से बिहार के मुख्य सचिव करेंगे और इस बैठक में सभी जिलों के डीएम भाग लेंगे। इस बार शिक्षा विभाग ने फुल प्रूफ तैयारी की है ताकि फर्जी सर्टिफिकेट पर कोई अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में काउंसलिंग ना करा सके। इसी वजह से काउंसलिंग के बाद सर्टिफिकेट की जांच शिक्षा विभाग खुद कराएगा और उसके बाद ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र दी जाएगी। नियोजन के दिन शाम 5 बजे जो भी अभ्यर्थी उपस्थित होंगे उन्हें अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगले दिन सभी सर्टिफिकेट NIC पर अपलोड होंगे। इन सर्टिफिकेट की जांच शिक्षा विभाग खुद संबंधित यूनिवर्सिटी और बोर्ड से कराएगा, उसके बाद ही किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। बता दें कि कुल 90,762 पदों पर ये बहाली होनी है। बेतिया में गौतम बुद्ध सेतु की सड़क बारिश में हुई ध्वस्त। बिहार के बेतिया में प्राकृतिक आपदा और अधिकारियों की लापरवाही के कारण 4 प्रखंडों को जोड़ने वाला गौतम बुद्ध सेतु मार्ग की सड़क गुरुवार की रात ध्वस्त हो जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक बीती रात की बारिश में गंडक पार के 4 प्रखंड पिपरासी, मधुबनी, भितहा और ठकराहा को जोड़ने वाली इस सड़क में देखते ही देखते गहरा गड्ढा बन गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक रेन कट हो रहा था, जिसके बाद अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की गई, मगर इस पर अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि समय रहते ध्यान देने पर सड़क का यह हाल नहीं होता। वहीं सड़क पर बड़ा सा होल बन जाने के बाद हर तरह का आवागमन प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से भी यहां का संपर्क टूट गया है। बिहार में 99 नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बिहार सरकार के चुनावी वायदे के अनुसार 19 लाख नए रोजगार देने की दिशा में सरकार की तैयारी भी जारी है। इस क्रम में नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग काम कर रही है। इस कड़ी में 99 नए प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने बीते दिन गुरुवार को आयोजित अपनी 3री बैठक में ये मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में 12,744.59 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन्हें स्टेज वन क्लियरेंस मिला है। इसके तहत अकेले 59 प्रस्ताव इथेनॉल उद्योग के हैं। इसके अलावा 3 प्लास्टिक एवं रबर क्षेत्र की इकाई, अक्षय ऊर्जा से संबंधित 3 इकाई, ऑक्सीजन उत्पादन से जुड़ी 5 इकाई, सामान्य विनिर्माण क्षेत्र, टेक्सटाइल व इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर से जुड़ी कंपनियां भी बिहार में निवेश करेंगी। हाल ही में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन नए निवेश के लिए मुंबई गए थे, जिसका फायदा मिलने की उम्मीद सरकार को है। देश की 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पटना को मिला 62वां स्थान। स्मार्ट सिटी परियोजना में शहरों को स्मार्ट बनाने में बिहार की राजधानी पटना का स्थान लगातार फिसल कर नीचे आ रहा है। एक बार फिर देश भर में 100 स्मार्ट शहरों की रैंकिंग लिस्ट में पटना फिसला है और अब इसे 62वां स्थान मिला है, जबकि इसी साल की शुरुआती महीनों में जारी हुई लिस्ट में पटना का स्थान 38वां था। गौरतलब है कि बिहार राज्य की राजधानी होने के बावजूद भी पटना स्मार्ट सिटी का हाल बेहाल है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 100 में से केवल 32.57 अंक मिले हैं। बताते चले कि यह रिपोर्ट 25 जून को जारी की गई थी, जिसमें बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी को 70वां, भागलपुर
जमालपुर को 91वां और मुजफ्फरपुर 99वें नंबर पर है। आपको बताते चले कि इन सभी शहरों की रैंकिंग में आई गिरावट का प्रमुख कारण समय पर परियोजनाओं का पूरा नहीं होना है। अकेले पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए पिछले 4 साल में करीब 380 करोड़ की राशि मिली है, मगर इनमें से केवल 131 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। इनमें से पटना के अदालतगंज तालाब पुनर्विकास योजना, इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड, इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत कई घोषित योजना का काम अधर में लटका हुआ है। नदियों में उफान आने से उत्तर बिहार के कई जिलों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। बिहार से सटे देश नेपाल में भारी बारिश होने के कारण वहां से बहने वाली नदियों ने उत्तर बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति बना दी है। पश्चिम चंपारण में बाढ़ का पानी घुसने के कारण सिकटा में नदी का बांध 2 जगहों पर करीब 50 बार टूट गया है, जिससे सड़कों और गाँव में पानी भरने लगा है। इस पर अधिकारियों का कहना है कि पानी में कमी आने के बाद मरम्मती की जाएगी। वहीं नरकटियागंज में भी चीनी मिल पर कटाव का खतरा बना है। इसके अलावा मधुबनी के जयनगर के अनुमंडल मुख्यालय मार्ग में भी निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन बछराजा नदी के कारण टूट गया है। वहीं बागमती में बढ़ता जलस्तर मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। इसके अलावा कोसी बराज में बीते शाम नदी का कुल डिस्चार्ज 1,18,425 क्यूसेक दर्ज किया गया है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पटना में फैले हुए वैक्सीनेशन अभियान ने आज से पकड़ी रफ्तार। राजधानी पटना समेत बिहार में वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन अभियान मानो ठहर सा गया था, जिसने आज से फिर रफ्तार पकड़ लिया है। पटना के ग्रामीण इलाकों में 27 जून से ही वैक्सीन की कमी के कारण कई सेंटरों पर 4 दिनों तक टीकाकरण बंद पड़ा था। अब टीका की खेप मिलने के बाद गांव में सभी PHC में आज से वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में 40 टीका एक्सप्रेस के द्वारा भी टीकाकरण होगा। साथ ही साथ होटल पाटलिपुत्र अशोका, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पाटलिपुत्र में 24 घंटे वैक्सीनेशन होगा। बता दें कि बिहार सरकार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य तय किया है। IPL में नई फ्रेंचाइजी को देना पड़ सकता है भारी भरकम बेस प्राइस। BCCI अगले साल IPL में 2 नई टीमों को शामिल कर सकती है, यह खबर तय मानी जा रही है, जिसके बाद IPL सीजन 22 में 8 की जगह 10 टीमें खेलती नजर आएंगी। इस बीच स्पोर्ट्स वेबसाइट क्रिक बज की एक रिपोर्ट के मुताबिक नई फ्रेंचाइजियों को काफी महंगी कीमतों में खिलाड़ियों की बोली लगानी पड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने IPL में नई टीमों को एंट्री देने के लिए भारी भरकम बेस प्राइस का ऐलान करने का मन बना लिया है। IPL में नई टीम उतारने लिए फ्रेंचाइजी को कम से कम 1,850 करोड़ से बोली की शुरुआत करनी पड़ सकती है। ऐसे में इस बार नई फ्रेंचाइजी के साथ ऑक्शन काफी मजेदार होने वाला है। देशभर में कोरोना की दूसरी लहर का असर हो रहा है कम। देशभर में ताजा मामलों में कमी आने के साथ ही लगातार आज 5वें दिन भी 50,000 से कम मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 46,617 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 853 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कुल 59,384 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देशभर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5,09,637 हो गई है। वहीं बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान 187 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 224 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,715 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.43% हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में सरकारी नौकरियों की बहाली में धांधली के मुख्य जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।